हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, हमारे पास दो पाइल हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि फर्स्ट पाइल और सेकेंड पाइल, जो भी पाइल आपको पसंद आती है वो पाइल चुन लीजिए और देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आती है। दिल थाम कर बैठ जाइए, पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में रीडिंग करने वाले हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट जिन्होंने चुनी है उसकी हम रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन जो है उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, बोल रहा हूं तो देखे लव, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है पास्ट के वुंड्स को हील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो अभी लाइफ में बहुत खुश रहना चाहते हैं, वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है अभी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, अदर कंट्री या अदर सिटी भी हो सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी शिप आपकी तरफ आ गई है, वो आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ में घूमने फिरने जाना चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूं, ये जो पास्ट में आपके साथ में जो बुरे एक्सपीरियंस आपके रहे हैं वो आपके कर्मा थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि अभी आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं इस जर्नी में आगे, साथ आपके देख रहे हैं वो कि मैं आपके साथ चलूं और अभी जिंदगी के सातों रंग आपकी लाइफ में भरना चाहते हैं। यहां पर मैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन पैरट ऊपर भी हो सकती हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है वो अभी आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज देख रहे हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होनी चाहिए, अच्छा कंपेटेबल पार्टनर आपको देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस की हो सकता है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे होंगे, आप कहाँ जाते हैं, क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानकारी निकालते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको वो बहुत ही अच्छा देखते हैं, बहुत ज्यादा आपको देखते हैं कि स्टेबिलिटी है आपके पास में, हो सकता है कि आप कोई जॉब भी करते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास स्टेबिलिटी है और आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनालिटी का पर्सन भी देखते हैं। अभी आपके लिए उनके दिल में प्यार आ रहा है, इसलिए ये बॉटम ऑफ द डेक है लव। ठीक है, और देखते हैं कि फर्स्ट पाइल के लिए और क्या है। डोर टू वैल्यू, अभी कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आने लगी है। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे आपकी लाइफ में काफी फाइनेंशियली क्राइसिस रहे हैं और अभी आप जो है अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप जो है अभी फिलहाल अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी आप काफी स्टेबल हो चुके हैं पहले से और यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफी फाइनेंशियली गेन आपको हुआ है, ऐसा भी आपके पर्सन देख रहे हैं और वो अभी आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हो सकता है कि आप मौन कर गए हों उनसे, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़कर आगे निकल गए हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि आप उनको छोड़कर के आगे अपनी लाइफ में बढ़ गए हैं। ठीक है, आपके लिए लकी हो सकता है 4 नंबर 9 नंबर 4 नंबर यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों की हीलिंग चल रही है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए लकी हो सकता है 6 नंबर, आपके लिए 7 नंबर 1 नंबर 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, आपके लिए 10 नंबर लकी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए लकी हो सकते हैं। आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग साइन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं क्योंकि हम पाइल के अकॉर्डिंग रीडिंग कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं चार्म्स रीडिंग, ये आपके पर्सन और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर काफी स्टॉक करते हैं या फिर वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले बंदे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई सेलिब्रिटी भी हो। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट करने हैं, आपके पर्सन को सोल्यूशन मिल गया है, अपनी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है और वो मैंने बताया था ये फिर से निकला है वाटर पार्क का, हो सकता है कि आप जो है अभी गर्मियों में कहीं घूमने जाएं, किसी पार्क में जा सकते हैं आप,
चाय वाय पीने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग बार बार सेपरेट क्यों होते हैं, हमारे बीच में दूरियां क्यों आती हैं। आपके पर्सन बहुत सैड की एनर्जी में है, बहुत उदास हो रहे हैं, आपको एक स्टार की तरह देखती है। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकता है रिसेंट में टावर आया हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप मौन कर गए हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग होती, जब भी आपको मिले तभी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ को फाइनेंशियली इश्यू जो है ना वो इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस, यहाँ पर ये कार्ड आया था, यहाँ पर फिर से आया है। आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस है, जिसकी वजह से आप लोग बार बार लड़ाई झगड़े करती हैं, बार बार सेपरेशन होता है। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यू भी है यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, मैं तो ये कहती हूँ कि आप दोनों ही पाइल देखा करें। ठीक है, पाइल नंबर टू जिन्होंने भी चुना है उसके हम रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कार्ड निकाल करके, बहुत ही शॉर्ट में रीडिंग करने वाले हैं। बॉटम तो देखिए इंटीमेसी, सेकेंड पाइल जिन्होंने भी चुनी है उनके पर्सन जो है इंटीमेट लेवल तक जाना चाहते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शांति भी चाहते हैं, बहुत ज्यादा पीस चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे कहीं शांति मिल जाए, बस मैं अच्छे से अपना जो है हील कर पाऊँ अपने आप को पास्ट से, और उनको बहुत ज्यादा शांति की जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो अपसेट हो रहे हैं, उनका माइंड बहुत अपसेट हो रहा है, इसलिए वो शांति चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं और कोई अपना अफर्मेशन का यूज भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके हेल्थ इश्यू भी हों, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको भी हेल्थ इश्यू हो सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा हील करना चाहती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहती हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने लगे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगे हैं, जैसा भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करती हैं, अटैचमेंट फील करती हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है और वो आपको काफी टाइम से देख रहा है, उसकी नजर आपके ऊपर है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको एक अपना सोलमेट देखती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर देखती हैं। आप लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है कि जैसे कई जन्मों का साथ है। आपके पर्सन जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, हम तो यूनिवर्स के द्वारा स्पेशल मकसद के लिए भेजे गए हैं, ऐसा आपके पर्सन भी सोचने लग गए हैं जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिरर कर रहे हैं, आप जैसा सोचते हैं आपके पर्सन भी वैसा ही सोचते हैं। ठीक है, इसलिए सोच समझ करके आप कुछ बोला करें और सोचा करें। नेक्स्ट हमारे पास है यिन यांग एनर्जी। देखिए एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकती हैं कुछ लोग। यहाँ पर फिर से फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली इश्यू मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है दुश्मन। दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके दुश्मन हैं, इसी वजह से आपको समस्या हो रही है कि उन्होंने आपका फाइनेंस ले रखा है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हमारे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आसपास के लोग भी उनको चैन से जीने नहीं देते हैं, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है कि भाई हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स भी आपको साथ देखना नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पर फैमिली इश्यू बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं चाहते कि आप लोग साथ में आए। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स काफी मदद कर रहे हैं आप लोगों को साथ लाने में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि एफर्ट्स लगाइए, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें एफर्ट्स लगाइए, आप एक दूसरे से प्यार से बात करिए, एक दूसरे के लिए जो है प्यार फील करिए,
तभी आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। प्लेफुलनेस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी और बंदे के साथ इन्वॉल्व हैं, अट्रैक्शन, आपके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये बंदा जो है इसके इसको जो है दूसरों से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन है आपको लेकर के, इस पर्सन को एडिक्शन है और यहाँ पर इंटीमेट लेवल तक वो बात करना भी चाहती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में आना चाहती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बताया था मैंने, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में, या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपको खुशी देना चाहते हैं। अभी वो जहाँ भी फंसे हुए वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी एनर्जी चेंज हो रही है उनकी और वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते होंगे, कहीं आते जाते वहाँ पर स्टॉक करती है। रिसेंट में आपकी लाइफ में टावर आया है, इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अभी खुशी देना चाहती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहती हैं, सातों रंग जिंदगी में आपके भरना चाहती हैं। यहाँ पर वो आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, उनका कॉल आ सकता है, आपके लिए उनकी आंखें तरस रही हैं आपको देखने के लिए, हो सकता है अभी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, टावर आया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। पहले वो अपने दोस्तों के चंगुल में फंसे हुए थे या फिर अपनी फैमिली के चंगुल में फंसे हुए थे, वहां से वो निकलना चाहती हैं और आज़ाद होना चाहती हैं और आपकी तरफ आएंगे और कॉल या टेक्स्ट मैसेज उनका आ सकता है, ठीक है। तो ये थी गाइस सेकंड पाइल की रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।